Hi everybody, today we are going to discuss about the heat stroke, sun stroke या लू लगना। देखिए ये जो है आपका एक मेडिकल इमरजेंसी हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम जो है वो गर्मी का आ गया है और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस सूरत में हीट स्ट्रोक के यानी कि लू लगने के केसेस जो है वो अक्सर देखने को मिल जाते हैं। व्हाट हैपेंस, देखिए ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, यानी कि जो इंसान हॉट टेम्परेचर के गर्म माहौल में रह रहा हो, चाहे वो काम कर रहा हो या एक्सरसाइज कर रहा हो, इवन कि वो बैठा ही हो, तो अगर उसकी बॉडी का उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो उस सूरत में समझिए हीट स्ट्रोक होना ही होना है। तो बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा आग सी भर जाती है, तो उसी को हम हीट स्ट्रोक का नाम देते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको ना मिले, प्रॉपर देखभाल ना मिले, तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, जैसे आपका लीवर है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ब्रेन है, किडनीज है, ये भी डैमेज हो सकते हैं। सिम्टम्स देखिए इसमें क्या मिलेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि इसको लू लगी हुई है। नंबर एक, सबसे पहली चीज है एक्सट्रीमली हाई बॉडी टेम्परेचर, जिस्म का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। नंबर टू, फर्स्ट एक्सेस स्वीटिंग, उसमें क्या होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, पहले शुरुआत में एकदम से बहुत ज्यादा पसीना आएगा, उसके बाद जो पसीना आता रहेगा बॉडी टेम्परेचर होने की वजह से वो हाथ हाथ वेपराइज होता रहेगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो बॉडी जो है आपकी क्या होती जाएगी, स्किन जो है वो आपका ड्राई होती चली जाएगी, मुंह सूखता चला जाएगा, यानी कि मुंह ड्राई होता चला जाएगा, और उस पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाएगी, किसी भी तरह से उसकी प्यास नहीं बुझेगी, स्किन ड्राई एंड रेडिश कलर्ड, और स्किन जो है वो लाल सुरक्षित दिखाई देना शुरू हो जाता है, तमतमाता हुआ चेहरा जो है वो दिखाई देने लगता है, यानी कि हाई इरिटेशन ऑन फेस, चेहरे के ऊपर जो है वो बिल्कुल हाई इरिटेशन जो है वो दिखाई देता, चेहरा तमतमाया हुआ शुरू में दिखाई देगा, और जब गर्मी जो है, जब टेम्परेचर जो है वो ब्रेन की तरफ जाएगा, तो इंसान को जो है वो कंफ्यूजन जैसी कंडीशन पैदा हो जाएगी, वहम जैसी कंडीशन पैदा हो जाएगी, वो बड़बड़ाने लगेगा, और अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है तो आवाज भी उसकी जो है वो सही नहीं निकलेगी, और चीजों को वो सही तरीके से पहचान भी नहीं पाएगा, यानी कि ब्लरी विजन भी होगी, और चीजों को पहचानने में भी उसको जो है कंफ्यूजन हो जाएगा, और बॉडी के अंदर जो है जर्क से लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे कभी कभी देखना है जैसे एपिलेप्सी के दौरे, यानी कि मिर्गी के दौरे जैसी कंडीशंस भी देखने को इसमें मिल जाती है, ब्लरिंग विजन होता है, और कुछ वक्त के बाद जो है इंसान अनकॉन्सियस हो सकता है। नेक्स्ट, रैपिड ब्रीथिंग एंड टैकीकार्डिया, देखिए सांसें बहुत तेज हो जाएंगी और हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जब जो है बॉडी का लिक्विड सब्सटेंस वो वेपराइज होने लगता है, निकल जाता है सारा, तो उससे ब्लड जो है वो आपका गाढ़ा हो जाता है, ब्लड की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, तो उस सूरत में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उसकी पूर्ति करने के लिए इंसान जो है वो तेज तेज सांस लेगा, रैपिड ब्रीथिंग होगी, और हार्ट को बहुत ज्यादा काम करने पड़ेगा, तो इसकी वजह से हार्ट बीटिंग भी जो है वो आपका बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। फैटिग, उसके बाद क्या होगा कि बॉडी जो है वो आपका मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आएगा और बॉडी थकना शुरू हो जाएगी, फैटिग हो जाएगा, इंसान टायर्ड हो जाएगा, और थ्रॉबिंग हेडेक, इंसान को जो है वो आपका बहुत तेज सर में दर्द भी होने लगेगा, और जब फ्लूड कम हो रहा है बॉडी का तो वहां पर यहां पर डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन पैदा होकर आपका मसल्स क्रैम्प, जिनको हम हीट क्रैम्प्स का नाम देते हैं, मसल्स के अंदर जो है वो आपका ऐंठन होना शुरू हो जाएगी, और उसका मुंह जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, और बहुत तेज जो है उसको प्यास लगने लगेगी, और हीट एग्जॉशन देन स्किन ड्राई, हीट एग्जॉशन होगा और स्किन जो है पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी, आईसिंग्स, आंखें जो है वो आपका अंदर को धस जाती है, इसके अलावा रिडक्शन यूरिन आउटपुट, पेशाब जो है वो कम आना शुरू हो जाएगा, और जो आ रहा है उसका कलर भी डार्क दिखाई देगा। क्लियर हॉटनेस, इंसान को लगेगा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, यानी कि उसके जिस्म से आग से निकलती हुई महसूस देती है, और फिर कुछ वक्त बाद जो है वो आपका बॉडी का जो है फेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सिम्टम्स जो है वो आपका इसमें देखने को मिलते हैं। कॉजेज, देखिए वो कौन से कॉज हैं जिनकी वजह से ये परेशानी पैदा हो सकती है, लू लग सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकती है। सबसे पहला, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हॉट
एनवायरमेंट, यानी कि लंबे समय तक, लंबे वक्त तक गर्म माहौल के अंदर, हॉट एनवायरमेंट के अंदर रहना, चाहे तो वो काम कर रहा हो या एक्सरसाइज कर रहा हो, चाहे वो बैठा ही हो, तो लंबे समय तक उसमें बैठना इसके लिए एक कॉज हो सकता है। स्ट्रेनस एक्टिविटीज इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में जो है वो आपका कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे बॉडी के अंदर से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, जैसे आपका डांसिंग करना है, रनिंग करना है, जंपिंग करना है, और कोई दूसरी एक्सरसाइज करना है जिससे पसीना बहुत ज्यादा निकलकर और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज होता चला जाता है। वियरिंग थिक एंड एक्सेसिव क्लॉथ, यानी कि मोटे कपड़े पहनना और बहुत ज्यादा कपड़े पहनना, जैसे जीन्स वगैरह होती है और ऊपर से बहुत ज्यादा पहन लिए तो उस सूरत में भी इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब वगैरह का पीना, शराब वगैरह का पीने से भी बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। रिस्क फैक्टर्स, देखिए रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, किन हालातों में, किन कंडीशंस में ये होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे यंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन, छोटा बच्चा है या बूढ़ा आदमी है, उसको इस तरह के चांसेस ज्यादा रहते हैं हीट स्ट्रोक होने में। ओबेज पर्सन, यानी कि जो बहुत ज्यादा फैटी पर्सन होते हैं उनको भी हीट स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो है आपका सम कार्डियक डिजीजेस, कुछ हार्ट डिजीज ऐसी होती है जिनकी वजह से इंसान को जो है आपका ये इस तरह के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन, देखिए प्रिवेंशन यानी कि हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। नंबर एक, ड्रिंक एनफ वाटर बट ग्रेजुअली, अच्छा खासा पानी पीजिए लेकिन उसको एकदम नहीं, फ्रेश पानी धीरे धीरे करके पीजिए, ज्यादा पानी पीजिए ज्यादा लेकिन धीरे धीरे करके पीजिए, एकदम से मत पीजिए। और बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर भी एकदम से मत पीजिएगा, धीरे धीरे करके पानी आप पी सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड हॉट एनवायरमेंट, जहां तक कोशिश हो आप गर्म मौसम में रहने से या धूप में निकलने से बचे। तकरीबन 3 बजे तक, यानी कि 12 से 3 बजे तक का जो टाइम होता है दिन का, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो उसमें कोशिश ये करें कि उसमें ना जाए। लेकिन अगर जाना भी पड़ता है, अगर जाना भी पड़ता है तो आप कोई अरेंजमेंट करके जाएं, जैसे अम्ब्रेला छाता लेकर जाएं, या कोई हैट वगैरह पहनकर जाएं जिसके किनारे बड़े हो, या फिर कोई गमछा वगैरह जो है वो आपका मुंह पर लपेट कर जाएं और माथे पर उसको लपेट कर जाएं, तो उस सूरत में आप उससे बच सकते हैं। टोटली अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल को, शराब को बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें पसीना बहुत ज्यादा आएगा और रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो यूज सनस्क्रीन लोशन बिफोर आउटिंग, जब आप बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त जो है कोई सनस्क्रीन जो है, क्रीम जो है, वो आप अपने चेहरे वगैरह पर या एक्सपोज पार्ट जो होते हैं उनके ऊपर लगा के, ताकि जो है सन से प्रोटेक्शन मिल सके। डोंट स्टे मच टाइम इन सनरेज, ज्यादा वक्त तक धूप के अंदर ना रहे। यूज डार्क गॉगल्स, ज्यादा मतलब डार्क गॉगल्स चश्मे का जो है इस्तेमाल करें, ताकि जो आंखों को ठंडक मिले और गर्मी का असर कम हो जाए। वियर लूज लाइट कलर्ड एंड कॉटन बेस्ड क्लॉथ्स, यानी कि पहनने के लिए आप जो है वो आपका एक तो लूज हो कपड़े जो आप पहन रहे हैं, दूसरी बात जो है वो लाइट कलर्ड हो, और तीसरी बात जो है वो ज्यादा थिक ना हो और कॉटन बेस्ड हो, उन कपड़ों का आप इस्तेमाल करिए वेयरिंग के लिए। कॉल फॉर हेल्प, अगर ऐसा हो जाता है, आपको लग रहा है कि हीट स्ट्रोक की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। कवर योर ईयर्स विद गमछा, भी बात को मैंने बताया कि कोई गमछा वगैरह आप जो है चेहरे पर लपेट सकते हैं, कानों को आप बंद रखें। ट्राई टू कूल शावर डेली, कोशिश करिए रोजाना आप ताजे और ठंडे पानी में नहाएं, तो उससे भी हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन से बचा जा सकता है। डोंट ड्रिंक वेरी कोल्ड वाटर इमीडिएटली, एकदम से बहुत ठंडा पानी ना पिए, उसको थोड़ा सा रख ले और धीरे धीरे करके पानी पिए। व्हाट टू डू इफ सडन स्ट्रोक अकर, अगर कभी हीट स्ट्रोक अचानक हो जाए, वो अपने साथ हो जाए या किसी दूसरे के साथ हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली कोशिश तो होनी चाहिए कि आप इमीडिएट कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर, लेकिन अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। उस प्राइमरी ट्रीटमेंट में का सबसे पहला मकसद, सबसे पहला काम होना चाहिए कि रिडक्शन ऑफ द हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हाई हुआ है उसको आपको घटाना है, उसको आपको कम करना है, वो कोई भी तरीका आप जो है उसको
अपनाएं जिससे जो है टेम्परेचर डाउन आ सके। उसमें आपका यानी कि ट्राई टू रिडक्शन हाई टेम्परेचर फर्स्टली, सबसे पहले आपको यह काम करना है। नंबर एक, उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, ड्रिंक फ्रेश वाटर, सादा पानी, ताजा पानी पीजिए, एनफ वाटर, ज्यादा पानी पीजिए, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा मत पीजिए, धीरे धीरे करके उसको पानी को आप पीजिए। और 10 बाथ और स्पंजी, यानी कि ठंडे पानी में नहाइए या उसको नहला दीजिएगा, या फिर जो है आप उसकी बॉडी के ऊपर जो है आप ठंडे पानी से स्पंजिंग कर दीजिएगा। लूज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को ढीला कर दीजिएगा, और स्टार्ट फैन इफ पॉसिबल, और अगर संभव हो तो उसको पंखा वगैरह चला दीजिएगा, या हाथ से पंखा करिए या कपड़े से करिए, यानी कि ठंडी हवा उसको देनी है। और उससे पहले उसको सबसे पहला काम क्या करेंगे कि उसको ठंडे माहौल में लेके जाएंगे, चाहे एसी रूम में ले जाएं या पेड़ की छाया के नीचे ले जाएं, तो उसको ठंडे माहौल में लेकर आप जाएं। उसके बाद आप अपने जो दूसरे तरीके हैं वो अपना सकते हैं, स्पंजिंग स्पेशली। स्पंजिंग देखिए स्पेशली कहां पर ज्यादा करनी चाहिए, यानी कि फोरहेड पर, माथे पर, या इस पीछे कान के पीछे वाले रीजन पर, या यहां इन ग्रोइन पर, या आर्म पिट पर, या हाथ और पैरों के तलवों पर, इन जगहों पर जो है आपका ज्यादा स्पंजिंग करिए, ताकि जो है टेम्परेचर जो है वो ऊपर की तरफ ना जाए और टेम्परेचर लो होता चला जाए। ड्रिंक वाटर यानी कि एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा पानी बहुत तेजी के साथ मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पिलाइए। राइज हिज फीट स्लाइटली, उसके पैर जो है थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, ताकि जो है वो सर्कुलेशन जो डिस्टर्ब हो रहा है वो थोड़ा सा मेंटेन हो सके। इफ कॉन्शियस, अगर वो कॉन्शियस है तो उसको पानी पिला दीजिएगा, और अगर वो जो है कॉन्शियस नहीं है तो आप स्पंजिंग या स्प्रे या कोई भी ऐसा तरीका जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके। आइस पैक मिले, बर्फ वगैरह मिल जाए तो बर्फ से हाथों की यहां पर जो है सिकाई करिए, स्पंज करिए, बर्फ से जो है उसको पूरी बॉडी के ऊपर उसके बर्फ मलिए, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो आपका डाउन हो जाएगा। तो उसको अगर होश आ रही है तो उसको ORS वगैरह दीजिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इंबैलेंस हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो सके, तो ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है उसको दीजिए, या फिर जो है IV फ्लूइड के तौर पर पेशेंट को आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट में अभी मैंने बताया कि सबसे पहला काम होना चाहिए रिडक्शन ऑफ द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हाई हुआ है उसको लो करना है, एज ऑलरेडी डिस्कर्ड, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। करेक्ट बॉडी डिहाइड्रेशन, उसके अंदर जो बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है उसकी पूर्ति करिए, चाहे ORS पिला के करिए या IV फ्लूइड देकर जो है आप करिए। करेक्ट आउटपुट ऑफ यूरिन, जब IV फ्लूइड वगैरह देंगे, ORS वगैरह देंगे, पानी पीने को देंगे, तो उसका यूरिन आउटपुट भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी कन्वर्जन ड्रग्स या मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स जो है वो आपको पेशेंट को दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डू नॉट गिव एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल मत करिए, यानी कि बुखार उतारने वाली दवाई बिल्कुल मत दीजिएगा। होम रेमेडी के तौर पर जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं वो कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिन पर हम बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वो सरप्राइजिंग होती है। जैसे नंबर एक बात कि जब भी घर से आप बाहर निकले तो ठंडा पानी पी के बाहर निकले, ताकि जो है बॉडी डिहाइड्रेट ना हो सके। दूसरा, बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि जब बाहर जाएं तो प्याज को आधा काट के अपनी पॉकेट के अंदर रख लीजिएगा, उससे भी आप उसके इफेक्ट में नहीं आ पाएंगे। अगर कभी फिर भी ऐसा हो जाए तो उस सूरत में इन तरीकों के साथ साथ जो है आप प्याज का अर्क निकाल के उसका भी मालिश कर सकते हैं, उससे भी सरप्राइजिंग रिजल्ट आते हैं, जिससे जो है पेशेंट ठीक हो जाता है। और इसके अलावा जीरा, लौंग और पुदीना, इसको चटनी बना के उसको थोड़ा सा छाछ वगैरह में मिला के ऐसे पर्सन को दीजिए तो वो भी ठीक हो जाता है। और अगर कुछ ना मिले तो बाजार में जलजीरा वगैरह बिकता रहता है, आप जलजीरा लेके उसको पिला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक या लू लगना। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जागरूक रहिए, पता नहीं कब किसको कहां किस तरह की जरूरत पड़ जाए। थैंक्स।